कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। उनके बेटे फैसल पटेल ने ट्विटर पर बताया कि बुधवार की सुबह 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। 71 साल के अहमद पटेल करीब एक महीने पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उनका निधन दिल्ली से सटे गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में हुआ। उनकी मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए लिखा, अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाने वाले पटेल की कांग्रेस को मजबूत बनाने में भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शोक संदेश में लिखा है कि अहमद पटेल के रूप में मैंने एक सहयोगी खो दिया है जिसने सारा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित किया था। मैंने एक विश्वस्त सहयोगी और एक दोस्त खो दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमद पटेल की मौत पर लिखा, यह एक दुखद दिन है। अहमद पटेल पार्टी के एक स्तंभ थे। वे हमेशा कांग्रेस के लिए जिए और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। हम उनकी कमी महसूस करेंगे। फैसल, मुमताज और उनके परिवार को मेरा प्यार और संवेदना। 1985 में राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रहे। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी। 8 बार के संसद रहे पटेल 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 5 बार राज्यसभा के लिए। आखिरी बार वो 2017 में राज्यसभा गए और ये चुनाव काफी चर्चा में रहा था। 21 अगस्त 1949 को मोहम्मद इशाक पटेल और हवा बेन पटेल की संतान के रूप में अहमद पटेल का जन्म गुजरात के भरूच जिले के पीरावल गांव में हुआ था। 80 के दशक में भरूच कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। अहमद पटेल यहां से 3 बार लोकसभा सांसद बने। इसी दौरान 1984 में पटेल की दस्तक दिल्ली में कांग्रेस के संयुक्त सचिव के रूप में हुई। अहमद पटेल के दोस्त, विरोधी और सहकर्मी उन्हें अहमद भाई कहकर पुकारते रहे, लेकिन वे हमेशा सत्ता और प्रचार से खुद को दूर रखना ही पसंद करते थे। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और संभवतः प्रणब मुखर्जी के बाद यूपीए के 2004 से 2014 के शासनकाल में अहमद पटेल सबसे ताकतवर माने जाते थे। इसके बावजूद वे उस दौर में केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल नहीं हुए। उन्हें बुधवार के रोज भरूच जिले में उनके आबाई गांव में तदफीन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स।